नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। 5 राज्यों के चुनाव की मतगणना जारी है। बता दें, बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर चल रही है और टीएमसी को 170 से ज्यादा सीटें मिल चुकी हैं। वहीं नंदीग्राम सीट की बात करें तो वहां से ममता बनर्जी पीछे चल रही है और शुभेंदु अधिकारी 7,000 वोटों से ममता बनर्जी से आगे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने के लिए मिल रही है। हालांकि रुझानों को देखें तो टीएमसी को बहुमत मिल गया है, लेकिन जिस तरह से रुझानों में बीजेपी की सीटें बढ़ रही हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि बाजी कहीं भी पलट सकती है। रुझानों के मुताबिक टीएमसी को 170 से ज्यादा सीटें अभी तक मिल चुकी हैं। हालांकि ममता बनर्जी के लिए एक बुरी खबर है, वो ये कि नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से पीछे चल रही हैं। बता दें, शुभेंदु अधिकारी उनसे 7,000 वोटों से आगे हैं अभी तक। बता दें, पश्चिम बंगाल में सभी 292 सीटों का रुझान आ रहा है और अभी के रुझानों के मुताबिक टीएमसी 171 सीटों पर आगे है, जबकि बीजेपी 115 सीटों पर आगे है। वहीं कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन में 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं रुझानों को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि ये रुझान है, हमें परिणाम के लिए इंतजार करना चाहिए। वहीं बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि ये शुरुआती रुझान है। विजयवर्गीय ने यह भी कहा है कि टीएमसी के गुंजों ने लोगों के घर पर जाकर धमकाया है, यही वजह है कि पोस्टल बैलेट में उन्हें बढ़त मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, 5 राज्यों के चुनावों की मतगणना जारी है और पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर देखने के लिए मिल रही है। वहीं ममता बनर्जी की बात करें तो नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से 7,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।